आज हम क्लास 10th का टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। जो कि आपका लाइट चैप्टर का है, फर्स्ट चैप्टर आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का आपका टॉपिक है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ये है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, मतलब कि जब आप रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन करते हैं। अब कॉम्बिनेशन दो तरीके से होता है, सीरीज से भी होता है और पैरेलल से भी होता है। तो मैंने आपका सीरीज और पैरेलल दोनों का कॉम्बिनेशन नोट कर रखा है, मैं आपको उसमें से बताता हूँ। जैसे कि आपका रेजिस्टेंस इन सीरीज है, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि वो करंट को कितना अपोज करता है, उसको आप क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। तो मैंने आप यहाँ पर तीन रेजिस्टर्स मान रखे हैं डेरिवेशन को करने के लिए। तो R1, R2 और R3 जो है वो रजिस्टर्स हैं, रजिस्टेंसेज हैं, जो कि आप रजिस्टर्स भी बोल सकते हो। आप मैंने क्या कर रखा है, एक सर्किट बना रखा है जो कि सीरीज सर्किट है, जैसे कि आपको दिख रहा है R1, R2 और R3। और यहाँ पर V1, V2, V3 जो है वो वोल्टेजेस हैं। वोल्टेजेस का मतलब होता है कि आपके डिफरेंट वोल्टेज हैं, जो दो टर्मिनल के बीच का वोल्टेज सेम रहता है। अगर मान लो टर्मिनल वन और ये टर्मिनल टू है, तो इसके दोनों के बीच का वोल्टेज V1 है, टर्मिनल टू और टर्मिनल थ्री के बीच का वोल्टेज V2, और टर्मिनल थ्री और टर्मिनल फोर के बीच का वोल्टेज V4 है, ओके। अब यहाँ पर क्या है, ये बैटरी लगा रखी है मैंने, बैटरी से आई अमाउंट ऑफ करंट आपका फ्लो होता है। अगर मैंने यहाँ से आई अमाउंट ऑफ करंट सेंड किया है, तो वो पूरे सर्किट में आई अमाउंट का करंट ही सेंड होगा, ओके। अब जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है उसके अंदर सबसे मेन आपका होता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, जब हम डेरिवेशन करते हैं तो हम इसके अंदर ओम्स लॉ को अप्लाई करते हैं, जो कि होता है V इज इक्वल टू आई आर। वी का मतलब वोल्टेज, आई का मतलब करंट और आर का मतलब रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर वी इन सीरीज, अगर सीरीज में है, अगर हम डेरिवेशन करते हैं तो हमेशा हम डिफरेंट वाले को लेते हैं। डिफरेंट मीन्स जैसे कि करंट है सेम रह रहा है सीरीज सर्किट में, तो हम सेम करंट वाले को नहीं लेंगे, डिफरेंट वाले को लेंगे, मींस वोल्टेज को लेंगे, V1, V2 एंड V3। तो यहां पर मैंने V1, V2 और V3 तीनों वोल्टेजेस को ऐड किया ताकि मेरा वोल्टेज V आ जाए सीरीज के अंदर। अब मैंने क्या करा, ओम्स लॉ के अंदर V1, V2 और V3 की वैल्यूज को पुट किया है। जैसे कि यहां पर दिख रहा है आपको V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2 और V3 इज इक्वल टू IR3। अब जो V1, V2, V3 की वैल्यू है और V की वैल्यू है, उसको मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूंगा जो मैंने मानी थी इस इक्वेशन में। जैसे कि V1, V2 और V3 और V की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में मैंने पुट कर दी, तो मेरे को ये मिला कि IR इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, और ऐसे जितने रजिस्टर्स होंगे उन सभी के लिए होता रहेगा आपका, ठीक है। अब ये जो है, मैंने यहां से I को कॉमन ले लिया है, क्योंकि I सभी के अंदर है, तो I आपका कॉमन आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 अंदर ब्रैकेट के अंदर रहेगा। अब यहाँ पर I और I आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर क्या बचा, RS। RS का मतलब है रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो RS जो है, RS इज इक्वल टू I R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस RN। RN का मतलब नंबर ऑफ रजिस्टर्स, जितने रजिस्टर्स होंगे उतने आपके रेजिस्टेंसेस ऐड हो जाएंगे। इट मींस इट हैज हाईएस्ट रेजिस्टेंस। अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में हाईएस्ट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए बोले, तो आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, सीरीज का। अगर आपसे बोले कि लोएस्ट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो हम पैरेलल का करते हैं। अब पैरेलल की तरफ बढ़ते हैं, तो आपको पता चलेगा कि दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, कि रेजिस्टेंस इन पैरेलल के अंदर क्या डिफरेंस है। अब हम पढ़ते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल। R1, R2 और R3 मैंने आपको पहले ही बताया कि रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब मैंने क्या करा है, इनको पैरेलल में अरेंज करा। पैरेलल का मतलब क्या होता है, जैसे एक रेजिस्टेंस ये है तो दूसरा रेजिस्टेंस ये होगा, ओके। तो पैरेलल, पैरेलल का मतलब बराबर से। अब मैंने R1, R2 और R3 तीनों को बराबर से लगा दिया, ठीक है। और मैंने यहाँ पर बैटरी को लगा रखा है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, और बैटरी से मैंने आई अमाउंट ऑफ करंट को सेंड किया है। कहाँ पर सेंड किया, सर्किट के अंदर। अब ये एक सर्किट है पूरा, ठीक है, ये पैरेलल सर्किट है, ओके। हम यहाँ पर I1, I2 और I3, क्योंकि यहाँ पर वायर जो एक सिंगल वायर जो थी वो तीन पार्ट में स्प्लिट हो गई, तो करंट भी स्प्लिट हो जाएगा तीन वायर्स में, I1, I2 और I3, जैसे कि मैंने डायग्राम में शो किया है। और रेजिस्टेंसेस से पास होगा, फर्स्ट वाला फर्स्ट वाले से पास होगा, सेकंड वाला सेकंड से, एंड सो ऑन।
ऐसे ही पास होते रहेंगे। अब जब ये टर्मिनल जुड़ेगा तो एक सिंगल टर्मिनल बन जाएगा। अब मैंने आपको बताया था दो टर्मिनल के बीच का ही वोल्टेज या करंट सेम रहता है, तो दो पॉइंट्स के बीच का, पॉइंट्स मींस टर्मिनल, दो टर्मिनल के बीच का वोल्टेज आपका सेम रहेगा। जैसे कि यहां और यहां, ये एक टर्मिनल हुआ और ये एक दूसरा टर्मिनल हुआ, इन दोनों टर्मिनल के बीच का वोल्टेज देखो सेम है वी। अब जो सेम है वही रहेगा, ठीक है, जो सेम है वही रहेगा। अब जो डिफरेंट है वो आगे रहेगा। डिफरेंट का मतलब है करंट डिफरेंट हो रहा है इसके अंदर, वोल्टेज डिफरेंट नहीं हो रहा। अब करंट को देखो, आप करंट क्या है, आई वन आई टू और आई थ्री। तो मैंने कहा था ओम्स लॉ लगाना पड़ेगा, है ना, तो ओम्स लॉ लगा देते हैं। ओम्स लॉ लगाओ, ओम्स लॉ लगाते ही क्या आएगा, V इज इक्वल टू आई आर। अब हमें वहां से V तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए I, तो I ले लेते हैं। I क्या आ जाएगा, V बाई आर, क्योंकि यहां पर I क्या है मल्टीप्लाई में, और अगर मैं I को इस साइड छोड़ूंगा R को इस साइड ले जाऊंगा, तो I इज इक्वल टू V बाई आर मीन्स वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस। अब मेरे को I की वैल्यू निकालनी है, आई वन आई टू और आई थ्री की निकालनी है। आई की मैंने निकाल ली ओम्स लॉ से, ठीक है। आई वन की वैल्यू अगर मैं निकालू तो क्या आएगा, वी बाई आर वन। I2 की निकालूंगा तो क्या आएगा, V by R2, और I3 की निकालूंगा तो क्या आएगा, V by R3। Putting values of V1, sorry, I1, I2, I3 and I in equation first, इस वाली इक्वेशन में मैं पुट कर दूंगा, ठीक है। अब मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूं, I1 की जगह क्या आ जाएगा आपका, V by R1, RP, P क्यों आएगा, क्योंकि पैरेलल का हम डेरिवेशन कर रहे हैं। V by RP is equal to V by R1 plus V by R2 plus V by R3 plus ऐसे जितने होंगे उन सभी के लिए हम कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर तीन ही सर्किट लिए हैं, तीन ही रेजिस्टेंसेस लिए हैं, इसलिए तो V by RP, V को अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या आएगा, 1 upon R1 plus 1 upon R2 प्लस वन अपॉन आर थ्री प्लस जितने होंगे उन सभी का। अब मैं वी को कैंसिल कर सकता हूं, तो मैं वी को कैंसिल कर देता हूं, क्योंकि इट कम्स बोथ साइड, तो वी कैंसिल हो गया। अब क्या बचा मेरा, वन अपॉन आर पी इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री प्लस जितने होंगे उतने। अब मेरे को क्या पता चला कि जो रेजिस्टेंस है पैरेलल का वो आपको कम मिलेगा। रेजिस्टेंस कम क्यों मिलेगा पैरेलल में, क्योंकि देखो ये जो है वो वन से डिवाइड हो रहा है, और कोई चीज किसी से भी अगर डिवाइड होती है तो क्या होगी, घटेगी मींस कम होगी, तो इसलिए इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, लोएस्ट, लोएस्ट रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। अगर आपको कभी भी किसी क्वेश्चन में बोला हो कि आपको लोएस्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पैरेलल का कैलकुलेट करना पड़ेगा। और अगर आपको कभी भी बोला है कि आपको सीरीज का करना है, इट मींस आपको हाईएस्ट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। और अगर आपको बोला होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो, तो वो सीरीज का भी फाइंड आउट कर सकते हैं और पैरेलल का भी, दोनों को कंबाइन करके फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा कि किस तरीके से आपके रेजिस्टेंसेस, डिफरेंट रेजिस्टेंसेस का आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना, ताकि मेरे चैनल बढ़े और आप भी बढ़े। ओके, थैंक यू।